नमस्कार दोस्तों, यूनिक एडवाइस मास्टर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कार के बैटरी और साथ ही साथ कार के अल्टरनेटर को घर में कैसे चेक किया जाता है, मतलब कार के बैटरी में कितना चार्ज बचा है, बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया है कि नहीं, या फिर कार के अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सी कारों में ऐसा होता है, हॉर्न ठीक तरह से बजता नहीं है, हेडलाइट धीरे धीरे डिम होने लगता है, एसी ठीक तरह से काम करता नहीं है, या फिर कार को स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, दो तीन बार ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बैटरी में डैमेज आने की वजह से ही होता है, लेकिन अगर अल्टरनेटर में भी प्रॉब्लम रहा तो भी ये सारे जो प्रॉब्लम है आ सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया करके वीडियो के साथ बने रहे। और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए। और बैटरी को चेंज कैसे किया जाता है इसके ऊपर में पहले से एक वीडियो हमारे चैनल में अपलोड करके रखे हैं। अभी तक उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके अभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कार के अल्टरनेटर और बैटरी को चेक करने के लिए सिंपली आपको जरूरत होगी एक मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर में यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन पोर्ट दिया हुआ है। सबसे नीचे वाला जो पोर्ट है कॉम पोर्ट, यहाँ पर आपको नेगेटिव तार यानी कि ब्लैक तार को फिट करना है। उसके बाद उसके ऊपर में ये जो पोर्ट है मिडिल पोर्शन में, इस पोर्ट में आपको पॉजिटिव यानी कि रेड कलर के तार को फिट करना है। फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर में जो ये स्विच दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड में इस तरफ में देखिए, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, मतलब 20 वोल्ट। इस 20 वोल्ट में आपको कर देना है, मतलब बैटरी जो है 12 वोल्ट का है, 20 वोल्ट के अंदर ही है। तो बैटरी को चेक करने के टाइम पे हमेशा लेफ्ट साइड में ये जो 20 दिया हुआ है 20 में ही कर देना है। उसके बाद दोस्तों मल्टीमीटर के जो पॉजिटिव तार है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अटैच कर देते हैं और नेगेटिव जो तार है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कार के बैटरी और अल्टरनेटर को कैसे चेक करना है। अभी मेरा कार का इंजन बंद है तो इंजन बंद रहने के टाइम पे अभी बैटरी का वोल्टेज का रीडिंग कितना आता है हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 12.64 बैटरी का रीडिंग आ रहा है, 12.65 या फिर 12.64। तो ये जो रीडिंग है दोस्तों इसका मतलब है आपके कार के बैटरी जो है वो फुल चार्ज थे। अगर बैटरी के वोल्टेज का रीडिंग इंजन बंद रहने के टाइम पे अगर 12.6 से 12.8 के बीच में रीडिंग होता है तो उसका मतलब है आपके कार के बैटरी का चार्ज फुल है। सोचिए कार के बैटरी का वोल्टेज का रीडिंग इंजन बंद रहने के टाइम पे अगर 12.9 के ऊपर में दिखा रहा है तो उसका मतलब है ये गुड इंडिकेशन है, उसका मतलब है आपके कार के बैटरी जो है वो एक्सेसिव चार्ज हो गया है उसमें। इसका मतलब है उस टाइम पे आपके कार के हेडलैम्प हो या फिर म्यूजिक सिस्टम वगैरह का हो, इंजन बंद रहने के टाइम पे चला के थोड़ा बैटरी को ड्रेन करवा लीजिए तो वो जो एक्सेसिव चार्ज होगा वो ड्रेन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, वहाँ पर आपके कार के अल्टरनेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है अल्टरनेटर जो होता है वो कार के बैटरी को एक्सेसिव चार्ज कर देता है। अभी सोचिए कार के बैटरी का वोल्टेज रीडिंग अगर 12.4 से 12.5 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज तो नहीं है, लेकिन बैटरी का जो चार्ज है वो एक गुड शेप में है। लेकिन सोचिए अगर 12.4 के नीचे चला जाता है वोल्टेज तो उसका मतलब है आपके कार के बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, उस टाइम पे आपके कार जो है उसको चला के बैटरी को फिर से चार्ज करवा लेना है। लेकिन हो सकता है उस टाइम पे आपको, मतलब कार स्टार्ट ना हो बैटरी डाउन होने की वजह से, हो सकता है उस टाइम पे आपको जंप स्टार्ट भी करना पड़े। दोस्तों अभी सोचिए आपके कार के बैटरी का वोल्टेज रीडिंग इंजन बंद रहने के टाइम पे 12.2 के नीचे में जा रहा है तो उसका मतलब है उस टाइम पे आपके कार के बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग करवाना है। ट्रिकल चार्जिंग के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब है कार के बैटरी को बहुत स्लो रेट में चार्ज करना है ताकि एक्सेस चार्ज एम्पेरेज को अवॉइड किया जाए, क्योंकि एक्सेस चार्ज एम्पेरेज की वजह से कार के बैटरी के अंदर एक्सेस हीट और गैस प्रोड्यूस होता है जिसके कारण कार के बैटरी एक्सप्लोड हो सकता है। अभी हम कार को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, कार को जब स्टार्ट करने के लिए चाबी को आप घुमाते हैं तो उस टाइम पर बैटरी का पावर कंज्यूम होता है, स्टार्टर में जाता है, तो उस टाइम पे बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन कभी भी 10.5 वोल्ट के नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए स्टार्ट करने के टाइम पे। इनके स्टार्ट करने के टाइम पे बैटरी का वोल्टेज रीडिंग अगर 10.5 वोल्ट के नीचे चला जाता है तो उसका मतलब है डेफिनेटली आपके कार के बैटरी डैमेज हो गया है, आपके कार के बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया है। तो अभी हम कार को स्टार्ट करके देखते हैं। दोस्तों देखिए,
तो जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप हुआ लेकिन 10.5 के नीचे नहीं गया। दोस्तों साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कार के बैटरी का वोल्टेज रीडिंग अभी जो आ रहा है 14.212023, मतलब इस टाइम पे जब कार के इंजन ऑन होता है तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है, इसी के कारण 1.5 या फिर 2 वोल्ट ज़्यादा इंक्रीज होता है। अल्टरनेटर जब बैटरी को चार्ज करता है तो आइडियल जो वोल्टेज होता है 13.8 वोल्ट से 14.3 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए 14.2120, इसका मतलब है अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टरनेटर बैटरी को ठीक ठाक तरह से चार्ज कर रहा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अभी कार के इंजन ऑन रहने के बावजूद भी आपके कार के बैटरी के वोल्टेज रीडिंग अगर 13.8 के नीचे आ रहा है तो उसका मतलब है आपके कार के बैटरी में नहीं, आपके कार के अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। अल्टरनेटर ठीक ठाक तरह से बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है जिसके कारण बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, और वहाँ पर आपको कार के अल्टरनेटर जो है उसको चेक करवा लेना है, उसको ठीक करवा लेना है। तो अभी हम कार के जो अदर इलेक्ट्रिकल से हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स वगैरह, उसको एसी वगैरह उसको ऑन कर देते हैं। तो सब ऑन कर दिए, देखिए बैटरी थोड़ा ड्रॉप हुआ है बैटरी का वोल्टेज। अल्टरनेटर अगर ठीक ठाक तरह से चार्ज कर रहा है तो चाहे आप हेडलाइट और अदर इलेक्ट्रिकल्स को ऑन करें या ना करें, वोल्टेज कभी भी 13.8 वोल्ट के नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप अपने कार के बैटरी को और अल्टरनेटर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी प्रेस कर दीजिए, और पास में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। सिर्फ बेल आइकन प्रेस करने पर ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।